इन सब से हम सहमत नहीं हैं। ये सारे के सारे प्रावधान स्कूलों को संरक्षण देते हैं। इस बिल का नाम ना रेगुलेशन ऑफ फीस कर लिया है, लेकिन इनफैक्ट ये फीस को रेगुलेट ना करके स्कूलों को अपनी मनमानी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और स्कूलों को पूरा संरक्षण मिल रहा है। इसमें अभिभावकों पेरेंट्स को और स्कूलों को एक लाइसेंस मिल रहा है कि स्कूल जो है जो वर्तमान फीस का शेड्यूल है उससे कई गुना अधिक बढ़ा सके, और इसमें पेरेंट्स की कहीं नहीं सुनी गई है। ना तो पेरेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन है वो इस पूरी बॉडी में, और ना उस बॉडी में लीगली या जुडिशली क्वालिफाइड लोग हैं जो स्कूल के पैरामीटर्स या स्कूल की फीस के पैरामीटर्स को डिसाइड कर सकें। रेगुलेशन ऑफ फीस के हिसाब से इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जो अपने जजमेंट में मॉडल स्कूल में इसके बाद कहा है ना, उन प्रावधान उन जज उस जजमेंट के बिंदुओं को कहीं ध्यान में रखा ही नहीं गया है। उल्टे इसमें जो चार मुख्य पॉइंट होने चाहिए कि स्कूल सबसे पहले अगर फीस ले सकता है तो ट्यूशन फीस ले सकता है, ट्यूशन फीस कौन सा स्कूल कितनी लेगा इसके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया है। स्कूल डेवलपमेंट फीस ले सकता है तो डेवलपमेंट फीस स्कूल पेरेंट्स से क्यों ले, जब स्कूल कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, कॉमर्शियल लेवल में पढ़ा रहा है तो कॉमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए उनको कॉमर्शियल हिसाब से पेमेंट करना मांगे और हम दे सकते हैं देंगे, नहीं तो स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को भंग किया जाए। व्यवस्था को फंडामेंटल ड्यूटीज